आज सिर्फ एक ही वीडियो में आप सीख पाएंगे कि काइन मास्टर में वीडियो एडिटिंग किस तरह से किया जाता है, पूरे ए से लेकर जेड के आपको किसी भी चीज़ के प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको कोई भी दूसरी वीडियो नहीं देखने की जरूरत बनेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, पक्का गारंटी लेता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो पूरे बारीकी से बनाया गया है, इसलिए आप ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं काइन मास्टर में एडिटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि काइन मास्टर को एडिट करने के लिए आपको काइन मास्टर का एप्लीकेशन आपके मॉल में रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एप्लीकेशन है, ऑलरेडी यहाँ पे एप्लीकेशन है। ये अगर आपको डाउनलोड करना रहेगा, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं इस एप्लीकेशन को, तो जब आप वीडियो को एडिट कीजिएगा तो यहाँ पर वाटर मार्क रहेगा। वाटर मार्क ना रहे तो इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये जो एप्लीकेशन है, इसको प्रो वर्जन भी आता है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा जहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर से हम एडिट करने के लिए आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले काइन मास्टर डाउनलोड करके क्लिक करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आता है क्रिएट न्यू का ऑप्शन में, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्रिएट न्यू का ऑप्शन में क्लिक करना रहेगा, और आपको बता देता हूँ यहाँ पर रेशियो चूज करना रहेगा। तो रेशियो होता क्या दोस्तों, ये जो सबसे पहला रेशियो होता है, जो बड़े बड़े यूट्यूब जो बनाते हैं, यूट्यूबर लोग जो बनाते हैं, ट्यूटोरियल बनाते हैं या फिर और भी कुछ पढ़ाते हैं, तो इसके लिए 16:9 रेशियो होता है, ठीक है। और दूसरा है 9:16 रेशियो, 9:16 रेशियो ये यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो बनाने के लिए होता है। याद रखिएगा, जब भी आप यूट्यूब शॉर्ट वीडियो बनाएंगे तो 9:16 रेशियो क्लिक कीजिएगा। 16:9 रेशियो पे अगर क्लिक करते हैं तो ये वीडियो आपको नहीं बनेगा, ये यूट्यूब शॉर्ट के लिए नहीं है, ये यूट्यूब शॉर्ट के लिए है। अब देखिए, यहाँ पर जो इंस्टाग्राम के लिए बनाते हैं, इंस्टाग्राम के लिए ये परफेक्ट रहेगा दोस्तों। अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं मोबाइल के लिए, तो मोबाइल के लिए ये ठीक रहेगा दोस्तों। और फिर मेनली हम लोग यही तीनों को यूज करते हैं, ये सब का यूज जल्दी नहीं हो पाता है दोस्तों। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं अभी देखिए आप लोगों को जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये एक ट्यूटोरियल है ना, तो मैं इसको 16:9 रेशियो क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर से क्लिक कर लेता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर रेड बटन है ना, अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये रेड बटन यहाँ पर रहेगी। देखिए यहाँ पर लाल बटन आ गया, तो हमको इसको क्लिक करना है 16:9 रेशियो। 16:9 रेशियो के ऊपर सबसे ज़्यादा ऊपर लिखा हुआ है नेक्स्ट बटन, तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर से लेयर को चुनना है, आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इस तरह के इंटरफेस आने के बाद सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको मीडिया पे आपको क्लिक करना होगा। ये लेयर जो है ये सब काम नहीं करेगा जब तक आपको मीडिया नहीं रहेगी। तो सबसे पहले आपको मीडिया पे क्लिक कर लेना है दोस्तों जी। तो मीडिया पे क्लिक करना है तो आपको जिस वीडियो को एडिट करना है, कोई भी वीडियो जो आप एडिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसको आप चूज कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर से कोई वीडियो एक को चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर से दोस्तों, यहाँ पर से हम वीडियो को हम चूज कर रखे हैं। देखिए यहाँ पर से ये मेरा वीडियो है, इस वीडियो को हमको जैसे मान लीजिए आप ये रिकॉर्ड किए हैं और इसको आपको एडिट करना है, तो सबसे पहले इसको हमको एडिट करना है। एडिट करने के लिए क्या करना रहेगा, जो सबसे पहले कुछ भी आपको करना है तो आपको वीडियो पे क्लिक करना है, मतलब जो आपको ये टाइमलाइन में जो है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे हम इसको क्लिक करें, अब इसको एडिट कर सकते हैं। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो आप वीडियो को एडिट करते हैं तो बीच में से ये फर्स्ट में से जब आप जाते हैं तो यहाँ पर से कुछ गलत हो जाता है, तो कुछ गलत होने के लिए इसको कट करना होता है। तो कट कैसे होता है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर से जो ये स्टार्टिंग रहेगा, तो यहाँ पे देखिए कैंची का निशान है यहाँ पे, तो आपको कैंची पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कैंची पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर सिर्फ नीचे का ये वाला जो है खुला हुआ, ये सब खुला हुआ नहीं है। इसको खोलने के लिए क्या करना रहेगा, वीडियो को थोड़ा सा बढ़ाना रहेगा। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में आता है ट्रिम टू लेफ्ट प्ले है। अगर मान लीजिए आपका जो वीडियो बनाए हैं है ना, तो जहाँ से आपको बायां वाला आपको डिलीट करना है, मान लीजिए हमको यहाँ से ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक हमको ये वाला डिलीट करना है। तो यहाँ के लिए डिलीट करने के लिए ये वाला जो टाइमलाइन है यहाँ पे जो शो हो रहा है, ये वाला टाइमलाइन देखिए, जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा टाइमलाइन भी बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पर टाइमलाइन, तो जहाँ से ये रहेगा हमको यहाँ से कट करना है यहाँ तक। तो हमको सिंपल से यहाँ पे करके इसको ट्रिम टू प्ले हेड करेंगे, तो ये पीछे वाला गायब हो गया, ठीक है।
इसी तरह से अगर हमको लास्ट में हमको मतलब हमको डिलीट करना है, मान लीजिए यहाँ पे आए वीडियो मेरा सही हो गया और यहाँ पर से हमको डिलीट करना है, तो यहाँ पर से डिलीट करने के लिए ट्रिम टू राइट प्ले हो प्ले हेड, मतलब जो आपके दायां साइड में जितने वीडियो है वो आपको जो खराब वीडियो है वो आपको डिलीट हो जाएगा, तो हम यहाँ पर से क्लिक कर देंगे, ये इधर वाला साइड हो गया। अब चलिए तीसरा में, अगर हमको कभी कभी क्या होता है ना बीच में से वीडियो को डिलीट करना होता है, तो बीच में के वीडियो डिलीट करने के लिए आपको सिंपल सा आपको वीडियो पे क्लिक करना है, इसे वहाँ पे कैची पे जाना है। अब देखिए यहाँ पे जो कैची के बाद है तीसरा में स्प्लिट एट प्ले हेड में, तो बीच वाला आपको क्लियर हो जाएगा लेकिन कट नहीं होएगा, तो यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन को चूज कर लेना है। तो चूज जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वीडियो को ना दो भाग में बांट देगा, देखिए जैसे में ये वीडियो को दो भाग में बांट दिया गया। अब यहाँ पर से देखिए अगर जहाँ से जो जिस भी पार्ट का मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है इतना दूर मेरा डिलीट करना है, तो सिंपल से ये वीडियो ये टाइमलाइन पे आना है, टाइमलाइन पे आने के बाद यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद हमको स्केच के निशान पे जाना है और हमको ये वाला ये निशान जो है ना यहाँ के हमको डिलीट करना है यहाँ वाला वीडियो को, तो यहाँ के लिए हमको स्ट्रीम टू राइट प्ले हेड करेंगे तो वो वाला वीडियो जो पूरा क्लीन हो जाएगा दोस्तों। और इसी तरह से हमको इस टाइमलाइन में भी डिलीट करना है, तो इसके लिए हमको डिलीट करने के लिए एकदम सिंपल से वही हम करेंगे, मान लीजिए हमको ये वाला जो पोर्शन है हमको यहाँ से डिलीट कर देना है, तो सिंपल से हमको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद स्केच कंडीशन में हमको ट्रिम टू लेफ्ट प्ले हेड पे क्लिक कर देना है। याद रखिएगा इसमें लेफ्ट का मतलब होता है बायां साइड और राइट का मतलब दायां साइड, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट का हमको कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पर जो मेरा मीडिया को इंसर्ट कर लिए दूसरा में अरेंज कर लिए कि यहाँ तक मेरा सही है, अब हमको इसको एडिट करना है। आप इसको कट करने के लिए भी सीख गए, बीच में से भी काटना सीख गए, अब कभी कभी कोई वीडियो में देखे होंगे कि ये जो पोर्शन होता है हमको इसको सिर्फ जो यहाँ पे इसको दिखाना है, मतलब जो हाथ में जो रगड़ रही है इसको हमको दिखाना है, तो इसको मतलब कभी कभी जूम करना रहता है, जूम करने के लिए इसको क्या करना है इस वीडियो पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये यहाँ पे ये पैन एंड जूम इसको ऑप्शन बोलते हैं, तो इसको पैन एंड जूम बोलते हैं, तो यहाँ इसको अब इस बटन को अगर क्लिक कीजिएगा तो हमको यहाँ से जिस पोर्शन को दिखाना है तो इस पोर्शन पर हमको पूरा जूम कर देना है, जूम करके इस तरह से हमको दिखाना है। अब इसको हमको ये अगर क्लिक हो गया, अगर पूरी वीडियो हमको इतना ही जूम रखना है तो इसको हमको इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, ये जो इक्वल है इक्वल कर देना है। अगर हमको क्या करना है कि धीरे धीरे इसका वीडियो बढ़े और धीरे धीरे स्लो हो जाए, मतलब फिर से वही पोर्शन में आ जाए, तो हमको सिंपल सा यहाँ पे जूम करके इसको ओके कर दिए। जब हम इसको ओके कर दिए तो देखिए यहाँ पर से किस तरह से वीडियो चलेगा, मतलब इस तरह से जूम वाला वीडियो चल। मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरह की वीडियो बनता है, देखिए हम जैसे प्ले करते हैं तो कुछ इस तरह की वीडियो आ रहा है जूम होते हुए दोस्तों, है ना, इस तरह की वीडियो हो गया। अगर कोई कोई वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि हमको भी हमको सबसे पहले इसको स्प्लिट टू प्ले हेड मतलब दो भाग में बांटते हैं, और कभी कभी आप वीडियो में देखे होंगे कि हमको पीछे से पैन जूम होता है, तो इसको हम करने के लिए पैन जूम में जाएंगे, तो यहाँ पर जो वीडियो है ना ये वाले वीडियो को ये वीडियो को टाइमलाइन में सेट करना है, हमको इसको इस तरह से बढ़ा देना है, मतलब धीरे धीरे ये क्या होगा जूम होता चला जाएगा, मतलब देखिए धीरे धीरे इस तरह से जूम होगा, यहाँ पर जूम खत्म हुआ और यहाँ पर से नज़दीकी हुआ, अब देखिए धीरे 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 और इसको जूम होता जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये भी रहा पैन एंड जूम करने का तरीका दोस्तों, ठीक है ना। अब हमको करना क्या है, अब हमको इस वीडियो को हमको कभी कभी रोटेट हो जाता है या फिर कोई वीडियो हमको नहीं चाहिए वो भी, अगर हमको ये वीडियो को डिलीट करना है मतलब बीच में से डिलीट करना है पार्ट को, तो डिलीट यहाँ पर से टाइमलाइन को डिलीट कर दिए, इसको भी डिलीट करना है तो यहाँ पर जो ऑप्शन है डिलीट करने का इसको हम क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डिलीट कर दिए। अब हमको क्या करना है, इसको हमको कभी कभी ये जो मिरर हो जाता है जो मेरा वीडियो है ना रिवर्स हो जाता है, मतलब हमको घूम जाता है, तो इसको घुमाने के लिए हमको रोटेट मिरर जाएंगे, हमको ये वाला क्लिक करेंगे तो इधर के घूम जाएगा, कोई हम इधर के करेंगे तो इधर के घूम जाएगा, कोई कोई ऐसा वीडियो होता है जो हमको ना चाहते हुए वीडियो को उल्टा बन जाता है, तो उल्टा को सीधा करने के लिए हमको इस तरह से क्लिक करेंगे ना तो ये हो जाएगा, हमको रोटेट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये रहा रोटेट एंड मिरर का ऑप्शन,
आशा करते हैं ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है हमको क्लिप को ऐड करने के लिए। कभी कभी देखेंगे कि किसी भी वीडियो को ऊपर इसमें हम बहुत सारे ऐड करके हुए रहते हैं, मतलब लोगो ऐड किया हुआ रहता है। तो लोगो को ऐड करने के लिए आपको सिंपल सा, सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ भी ऐड करना है उसके लिए मीडिया में नहीं जाएंगे दोस्तों, लेयर में हमको क्लिक करना है। लेयर में जाकर हमको मीडिया में क्लिक करना है, उसके बाद हम यहाँ पर से लोगो ले लेते हैं। लोगो लगाना रहेगा तो लोगो ले लेना है। तो यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से इसको छोटा कर सकते हैं, और छोटा करने के बाद जिस साइड में लगाना रहेगा इस साइड में लगा लेते हैं दोस्तों। हम इस साइड में लगा लिए हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं कि अगर हम वीडियो को चलाएं दोस्तों, अगर हम वीडियो को चलाते हैं तो इतना चलने के बाद थोड़ा सा देखिएगा, फिर ये जो मेरा लोगो है गायब हो गया। तो लोगो गायब ना हो इसके लिए हमको क्या करना रहेगा, हमको उस लेयर पे क्लिक करना है जहाँ पे मेरा लोगो है ना। लोगो पे क्लिक करने के बाद इस पूरे वीडियो, ये जो पूरा फोटो है ना, पूरा वीडियो के अंत तक कर देना है, यहाँ तक अंत कर दिए, मतलब जब तक वीडियो रहेगा जब तक ये लोगो चलता रहेगा। देखिए दोस्तों, तो हमने वीडियो चलाए और ये मेरा लोगो ख़त्म नहीं हुआ। तो ये रहा लोगो लगाने का है, और इसमें हम कोई भी मीडिया में जाके कोई भी वीडियो भी हम सेट कर सकते हैं। जैसे ये मेरा वीडियो है और हमको इसके पीछे हमको कोई चलता हुआ वीडियो चलाना है, तो हमको यहाँ पे से मान लीजिए हम इसको डाल देते हैं। तो ये मेरा देखिए यहाँ पे इस साइड का स्क्रीन शॉट जो हम बनाए थे, ये भी वीडियो चलेगा और ये भी वीडियो चलेगा। तो कुछ इस तरह से देख रहे हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों जो ये मेरा वीडियो है ये भी चलेगा, जैसे हम आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये मैं पहले भी वीडियो में डाला था इस तरह के, ये भी चलेगा। देखिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग, मैं आज आप लोग लिए काम आशा। देखिए तो इसका मतलब ये है कि मेरा वीडियो चल भी रहा है और यहाँ पे वो भी चल रहा है। ये रहा हमको लेयर का कमाल। अब देखिए कोई को हमको क्या करना रहता है, हमको वीडियो को म्यूट करना होता है। जैसे ये वाला जो मेरा ये वीडियो है मेरा, ये वाला जो हम नया वाला वीडियो लेयर में क्लिक किए हैं, हमको इसको साउंड को पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। तो इसके लिए हमको क्या करना रहेगा, हमको सिंपल सा उस वीडियो में जाना है। वीडियो में जाने के बाद देखिएगा यहाँ पे साउंड का एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साउंड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमको इस पर क्लिक करना है। और साउंड को हमको पूरा जीरो कर दें तो वो साउंड गायब हो जाएगा, ये साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, सिर्फ फोटो ही नजर आएगा लेकिन सुनाई नहीं देगा दोस्तों। तो इस तरह से रहा। अब देखिए हमको करना क्या है, इतना होने के बाद कभी कभी आप लोग देखे होंगे कोई कोई वीडियो में, चलिए हम ये सबको सब डिलीट कर देते हैं, आप आशा करते हैं ये सब तो सीख ही गए होंगे। अब देखिए कोई कोई वीडियो में आपको क्या करना है कि इसका जो मोशन होता है कभी कभी स्लो हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है, स्पीड इसका स्लो हो जाता है। तो स्लो एंड फास्ट करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले जितना आपको स्लो में रखना है वहाँ पर आपको कट का निशान लगाना है। मान लीजिए हमको इसको स्लो करना है तो इसको स्प्लिट टू प्ले हेड करेंगे, क्योंकि इसको दो भाग में बांट देंगे। हमको इतना क्लिप नहीं स्लो करना है, हमको कुछ ही एरिया ही स्लो करना है। तो हमको मान लीजिए इतना एरिया हमको स्लो कर देना है, इतना एरिया को हमको स्लो करना है, ठीक है ना। तो जितना एरिया को स्लो करना है आपको कट कर लेना है, बीच से दोनों भाग में आप कट कर लेना है। कट करने के बाद इसको सिंपल से उस वीडियो पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद देखिए नीचे में है स्पीड पर, स्पीड कंट्रोल। अगर आप लोग हम इधर से जितना भी करेंगे तो ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा फास्ट में जाएगा, मतलब ये वीडियो है कि 10 मिनट का वीडियो मात्र 1 मिनट में दिखाया जाएगा, बहुत फास्ट में जाता है ये। अगर वीडियो को हम घटाते जाएंगे, मतलब ये वीडियो है ना मेरा, जो स्पीड इसको घटाएंगे, मतलब यहाँ पर धीरे धीरे 0.5 करेंगे, तो ये वीडियो काफ़ी मात्रा में स्लो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग इसको स्लो एंड फास्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी मात्रा में स्लो एंड फास्ट हो रहा है दोस्तों। अगर इसी वीडियो को हमको फास्ट करना है तो हमको यहाँ पर सिर्फ पूरा 2 या 2.5 करेंगे तो बहुत स्पीड से यहाँ पे काम होएगा। देखिए यहाँ पे कितना स्पीड से काम हो रहा है, ठीक ना। तो आप आशा करते हैं कि आप वीडियो को स्पीड एंड स्लो करना सीख गए होंगे। अगर आप लोग और भी ज़्यादा स्पीड एंड स्लो करना चाहते हैं तो इसको यही करना है कि स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। जितना वीडियो को आपको स्लो या फास्ट करना है उतना वीडियो को आप लोग स्लो एंड फास्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा आपको स्लो एंड फास्ट करने का तरीका। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट अब क्या आता है कि कभी कभी आप कोई वीडियो में देखे होंगे कि इसमें लिखा हुआ भी आता है। तो लिखा हुआ कैसे आता है, तो सबसे पहले आपको लेयर में क्लिक करना है। लेयर में क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पे टेक्स्ट का लिखा हुआ है,
यहाँ पे जो लेयर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप टेक्स्ट में लिखिएगा तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, यहाँ पे कुछ भी आप लिख के यहाँ पर से आप इसको बढ़ा एंड घटा सकते हैं। जो यहाँ पे बटन, जो यहाँ पे बढ़ाने का ऑप्शन में, यहाँ से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये बढ़ा, यहाँ से बढ़ा और घटा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें एनिमेशन भी डाला जाता है। एनिमेशन कैसे होता है, एनिमेशन कहते हैं कि इसको देख लीजिए, पहले मैं आपको रेड कलर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जब ये एनिमेशन क्लिक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी आप क्लिक कर सकते हैं। फेड कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आता है, पॉप कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आता है, स्लाइड राइट कीजिएगा तो कुछ इस तरह से। आप लोग देखे होंगे जो बड़े बड़े यूट्यूबर स्टेटस बनाते हैं, स्टेटस वाले जो चैनल होते हैं, कुछ इसी तरह से ये लिखा हुआ डाला करते हैं। क्लॉकवाइज करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है, काउंटर डाउन करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है, ड्रॉप करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है। तो इसमें बहुत सारा है। अब देखिए अक्सर क्या करते हैं ना, जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं जो बनाते हैं, ये वाला स्लाइड लेटर बाय लेटर इस ये वाला को यूज़ करते हैं। यहाँ पर से एनिमेशन को यूज़ करने के बाद आप इसको जो स्पीड है इसको कम एंड बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 0.5 कर दिए तो काफ़ी मात्रा में, काफ़ी स्पीड में आ रहा है। इसको अगर हमको घटाना है तो हमको 0.2 कर दिए तो काफ़ी स्पीड कम इसको हो रहा है, यहाँ से ये नॉर्मल हो जाता है। तो 0.5 करने से इसका स्पीड कम जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, ये वाला स्टेटस में यूज़ किया जाता है। चलिए ये तो हो गया आपको लिखने वाला। हाँ अगर कभी कभी क्या होता है ना, हैंड राइटिंग का भी यूज़ करते हैं तो हैंड राइटिंग से भी यहाँ पर से आप लिख सकते हैं, हाथ से लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये मैं हाथ से लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी जो है हाथ से लिखा जा रहा है। अगर हमको इसको डिलीट करना है तो सिंपल से यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो ये डिलीट का ऑप्शन है, इसको हमको क्लिक कर देना है तो ये वाला पूरा डिलीट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है, गलती से जो वीडियो जो होता है डिलीट करने के बजाय कुछ भी और डिलीट कुछ हो जाता है, यहाँ पर से डिलीट हो गया, हम घबरा जाते हैं कि वीडियो फिर से कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे ऊपर देखिएगा, यहाँ पर से ये अंडो का ऑप्शन है, अंडो का मतलब जो वीडियो आपको गया है वो वापस आ जाएगा। तो जैसे ही ये वाला क्लिक करते हैं, यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो जो वीडियो गया था वो आ जाएगा। अगर गलती से कभी कभी क्या होता है, जो वीडियो को हम डिलीट करते हैं वो बटन गलती से दबा जाता है तो वीडियो आ जाता है। हमको इसको फिर से डिलीट करने के लिए री एंडो कर देते हैं, जो मैं तो बिगड़ गया है इसको सुधारने के लिए। यहाँ पे जो इस पर ये जो मेरा नीचे वाला है, इसको हम क्लिक करेंगे तो वीडियो जो पहले था वैसे ही हो जाएगा जैसे कि वो हो गया। चलिए ये तो था री एंडो एंड एंडो करने के लिए। अब हमको कभी कभी क्या होता है कि हमको कहीं पे से स्क्रीन शॉट करना होता है, तो स्क्रीन शॉट करने के लिए हमको उस बैकग्राउंड को स्क्रीन शॉट करना होता है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, जहाँ से हमको स्क्रीन शॉट करना है उस जगह पे लेके जाएंगे, यहाँ से हमको स्क्रीन शॉट करना है, या मतलब ये वाला जो फ़ोटो का हमको स्क्रीन शॉट करना है तो यहाँ से ये वाला फ़ोटो का स्क्रीन शॉट करने के लिए यहाँ पर से देखिए तीसरा ये स्क्रीन शॉट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे इसको तो यहाँ पर दिया हुआ कैप्चर एंड सेव, मतलब जो इसको कैच करेंगे और इसको सेव हो जाएगा जाके गैलरी में, कैप्चर एंड एज ए क्लिप, मतलब जैसे ही हम इसको स्क्रीन शॉट लेंगे यहाँ पे क्लिप में आ जाएगा, कैप्चर एंड एज ए लेयर, जैसे ही इसको मतलब क्लिक करेंगे तो ये लेयर में आ जाएगा। तो दिस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये लेयर में आ चुका है, देखिए ये लेयर में है, इसको हम कहीं भी रख सकते हैं। तो ये हो गया स्क्रीनशॉट लेने का फ़ायदा। अब चलिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग वीडियो को इसमें बैकग्राउंड डाला जाता है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है बैकग्राउंड में म्यूजिक डालना। तो म्यूजिक हम लोग कहाँ से डालते हैं दोस्तों, म्यूजिक हम लोग यहाँ पर से डालते हैं ऑडियो में से जाके। तो ऑडियो में हम लोग क्लिक करते हैं, ऑडियो में से जो भी हम लोग क्लिक करने के बाद यहाँ पर से बहुत सारे आते हैं, जो भी आपको जो है बैकग्राउंड म्यूजिक डालने के लिए बैकग्राउंड यहाँ पर से म्यूजिक डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको बैकग्राउंड म्यूजिक डालते हैं तो यहाँ पर से म्यूजिक डाल सकते हैं। अब देखिए इसको म्यूजिक डालने के लिए यहाँ पर से आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको जो बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है तो इसको जो हमको वॉल्यूम को घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से घटा और बढ़ाने का आप लोग कहें कि हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑटो वॉल्यूम क्या होता है, ऑटो वॉल्यूम के मतलब होता है कि वॉल्यूम जो ऑटो होता है। अब देखिए यहाँ पर से ऑटो वॉल्यूम कर देते हैं इसको, और इसको अगर हम लेफ्ट में करेंगे तो ये जो मेरा जो हेडफोन से कोई सुनता है बंदा तो उसको लेफ्ट में सुनाई कम देगा और राइट में ज़्यादा सुनाई देता है। अगर हम राइट को इधर कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो जो हेडफोन का राइट बटन वाला है, राइट वाला जो है उसमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा, सिर्फ लेफ्ट वाला कान में ही सुनाई देगा।
तो ये होता है इसमें, जो हम लोग 8D और 4D और 16D वाला, जो हम 3D वाला जो साउंड बनाते हैं, हम लोग इसका यूज करते हैं। अगर आपको 8D गाना कैसे बनता है, अगर आप लोग उस वीडियो को आप चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको 8D साउंड भी बनाना आपको सिखा दूँगा। चलिए ये तो रहा, आप यहाँ से समझ गए होंगे, यहाँ से आप साउंड को घटा बढ़ा सकते हैं। जो जैसे कि आप मेरे वीडियो में आप देख रहे होंगे कि मैं ट्यूटोरियल बता रहा हूँ, उसके पीछे कोई मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, तो हम इसी तरह से सारे यूट्यूबर यहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक उठाते हैं। और मैं मैक्सिमम बैकग्राउंड को म्यूजिक के लिए मैं मैक्सिमम 24-25 के बीच में ही रखता हूँ। आप अपने वीडियो के अनुसार आप रख सकते हैं, जितनी मर्जी आप यहाँ से रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ, ये सब तो सीख गए हैं, इसके बाद ये सब वीडियो को मेरा हो गया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि मैं ये जो वीडियो होता है इसका कलर को चेंज करना होता है, तो कलर को चेंज करने के लिए मैं सबसे पहले मीडिया में जो वीडियो है उसको हमको कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे कलर फिल्टर का ऑप्शन है, कलर फिल्टर का देख लीजिए, यहाँ पे इतना सारे कलर आते हैं, यहाँ से आप घटा या बढ़ा सकते हैं इसको, यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। बहुत काफ़ी मात्रा में देखिए कोल्ड है यहाँ पे, बहुत से काफ़ी मात्रा में यहाँ पे आ जाता है, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं तो कुछ यूज़ नहीं करना है, तो इसलिए हमको नन कर देना है। अगर आपको यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए कोई कोई वीडियो होता है ऐसा कि आपको क्रोमा की, मतलब जब भी आपको करना है कि बैकग्राउंड को रिमूव कैसे कर देते हैं, कोई कोई वीडियो में देखे होंगे कि बैकग्राउंड उसका कुछ रहता है और उसके लिए और उसके पीछे कहीं और का सीन आ जाता है। जैसे आप हैं घर में और आप लोग बताना चाहते हैं कि मैं ताजमहल होटल के पास हूँ या फिर और भी कहीं है, ये वीडियो में कैसे आता है, तो इसके लिए हम मैं बताता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जितना भी टाइमलाइन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। हमको क्या करना रहता है, हमको सिंपल सा ये मीडिया के ऑप्शन में हमको क्लिक कर देना है, और मीडिया में क्लिक करने के बाद अगर हमको सबसे पहले हमको क्या कर देना है, हमको बैकग्राउंड लेना है जहाँ हमको पीछे लगाना है। मान लीजिए हमको ये पीछे का बैकग्राउंड हमको ये वाला चाहिए दोस्तों, ठीक है, या और फिर हमको बैकग्राउंड और ये वाला, और ये हो गया, और ये हमको बैकग्राउंड ये वाला चाहिए दोस्तों, और हमको बैकग्राउंड ये वाला चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तीन बैकग्राउंड चाहिए, और हमको वीडियो ले लेते हैं जो हमारे जाए। तो सबसे पहले मेरे पास ग्रीन स्क्रीन का वीडियो नहीं है, तो ये मैं वीडियो ले लेता हूँ। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पीछे आपको ग्रीन कलर का पर्दा ले लेना है, और ग्रीन कलर पर्दा लेकर आपको ग्रीन पर्दा के आगे होकर वीडियो बना लेना है, कुछ इस तरह से शूट करना है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये एक लड़का है, लड़का और यहाँ पर ग्रीन पर्दा पूरा में लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इस पर्दा को हमको हटाना है। तो याद रखिएगा सबसे पहले इसको पर्दा को हटाने के लिए हमेशा लेयर वाले ऑप्शन को ही चूज करना रहेगा, तो हमेशा इस वाले ऑप्शन को ही चूज करना रहेगा हमको ग्रीन वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन स्क्रीन क्रोमा की रिमूवर। तो हमको अब इसको हमको चेंज करना है, तो सिंपल से हमको ग्रीन वाले बटन जो हम वीडियो लिए हैं उस पर क्लिक करना है, और सबसे नीचे जाके क्रोमा की को इनेबल कर देना है। इनेबल जैसे ही कर देंगे दोस्तों, तो ये पूरा जो वीडियो है यहाँ पर से इसका बैकग्राउंड है उसका हट गया। अब देखिए हमको बैकग्राउंड को हमको पूरे में लाना है, तो ये पैन एंड जूम का ऑप्शन यूज में आएगा, हम इसको क्या कर देना है, पूरे बैकग्राउंड को हमको जूम कर लेना है, जूम करके इसको इक्वल टू पे क्लिक कर देना है, ये पूरे बैकग्राउंड में आएगा। ये फुल ब्लैक बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड भी फुल है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम लोग क्रोमा के भी यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर है इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो गया, हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर से बैकग्राउंड इसको चेंज होता जा रहा है। तो इस तरह के यूट्यूबर जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं अपने बैकग्राउंड इस तरह से चेंज करते हैं। अब कोई कोई फ़ोटो हम लोग लेते हैं, फ़ोटो लेने के बाद हम इसमें बड़े बड़े कुछ लिखते हैं, लिखने के बाद कुछ कुछ एनिमेशन डालते हैं, और कोई कोई वीडियो बनाते हैं। तो इस तरह के वीडियो हम लोग किस तरह से बनाते हैं, उसके लिए हम पूरे टाइमलाइन को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट करने के लिए हम डिलीट कर देते हैं, उसके बाद हम कोई कोई इमेज ले लेते हैं, यहाँ पर से ये इमेज ले लिए, ये इमेज ले लिए, ये इमेज ले लिए। अब देखिए आप कुछ भी इमेज ले सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बस यही इमेज लेता हूँ। अब यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर से ये ले लिए,
देखिए जो होता है स्टेटस वाले यूज़ करते हैं यहाँ पर से, और इसको हम लोग यहाँ पर से, अब देखिए इसको हमको लिखना नहीं है, बार बार हमको लिखना पड़ेगा, तो इसको करने के लिए डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर डुप्लीकेट कीजिए, इसको क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में तीन एरो है, तीन गो पॉइंट है, इस पर आपको क्लिक करना है। तीन को क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट कीजिएगा तो वो वाला आपको आ जाएगा। अब इसको हमको खींच कर इसको यहाँ पे कर देंगे तो वो वीडियो में भी आ जाएगा, और इसको फिर से हमको डुप्लीकेट करेंगे तो फिर यहाँ पे इस वीडियो में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको इसको हमको वीडियो ले इस हमको फ़ोटो लेने से इसलिए आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे इफेक्ट कैसे डालते हैं। अब देखिए यहाँ पर से तो ये हो गया। अब इसको हमको ये जो लिखा हुआ है इसको हमको एनिमेशन डालना है, तो एनिमेशन डालने के लिए हमको आप बहुत सारे एनिमेशन डाल सकते हैं इस तरह से, देखिए तो कुछ इस तरह से आएगा, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, हम ये रख दिए। अब देखिए कोई कोई वीडियो में होता है यहाँ पर से कि चलते चलते जूम हो जाता है, बहुत सारे इफेक्ट डालते हैं, तो यहाँ पर चला। अब इसके बाद हमको फ़ोटो में एनिमेशन डालने के लिए ये जो प्लस का निशान है इस पर हमको क्लिक करना है, तो प्लस में एनिमेशन डालने के बाद अब देखिए इसमें बहुत सारा काफ़ी मात्रा में ट्रांजिशन एंड इफेक्ट डाला हुआ है। इसमें हम इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे मैम ये टेक्स्ट एंड किए तो इस तरह से हम करते हैं तो कुछ इस तरह से चेंज होगा, जैसे हम इसको चलाते हैं तो इफेक्ट हम डालते हैं तो इफेक्ट डालने के बाद कुछ इस तरह से हमको आता है, चेंज हो जाएगा। अब इसको हम ट्रांजिशन एंड इफेक्ट यूज़ करेंगे, ट्रांजिशन इफेक्ट करेंगे यूज़ करने के लिए प्लस का ऑप्शन में चूज करेंगे, फिर यहाँ पर से देखिए काफ़ी मात्रा में पिक्चर एंड पिक्चर ये करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा दोस्तों। तो इस तरह के भी आप लोग यूज कर सकते हैं अपने वीडियो में। चलिए ये दोस्तों आप लोग का आ गया होगा समझ में, देखिए काफ़ी मात्रा में कितना बेहतरीन तरह के वीडियो बनाए। चलते हैं अब कोई कोई वीडियो में देखे होंगे कि इस तरह के आप लोग वीडियो बना लेते हैं, उसके लिए कोई कोई वीडियो में देखे होंगे कि आप वीडियो चल रहा है उसको में आवाज़ पीछे से आ रही है, उसमें कोई भी तरह के नहीं होते हैं। जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और कोई कोई वीडियो होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करता है, सिर्फ फ़ोटो ले लेता है, इसके पीछे वॉइस ओवर करता है। तो वॉइस ओवर करने के लिए देखिए यहाँ पर जो ये ऑप्शन है हमको इसको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद बटन है दोस्तों, देखिए यहाँ पर से स्टार्ट बटन है, और यहाँ से इसको रिकॉर्ड करना है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टार्ट है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिकॉर्ड हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जुबिन दास, और इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर से हम स्टॉप कर दिए, हम देखें यहाँ पर से ये वॉइस ओवर हो गया, चलिए हम इसको सुनते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है जुबिन दास, और इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों तो ये रहा। अब चलिए दोस्तों यहाँ तक तो हो गया, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं पे हम लोग स्टिकर का यूज करते हैं, तो स्टिकर का यूज करने के लिए यहीं पे हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे स्टिकर हो गया, यहाँ पर बहुत सारा ये आ जाता है, कर्सर आ जाता है, देखिए जो सब्सक्राइब बटन होता है, बेल आइकन का होता है, अब इस तरह के बहुत सारे हम लोग स्टिकर का यूज करते हैं कुछ इस तरह से, तो आप लोग यूज कर सकते हैं कहीं भी वीडियो में आप लोग चलता हुआ हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग इस ये चला या फिर बीच में ये बॉल आ गया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जुबिन दास, और इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा करते हैं, तो इस तरह के स्टिकर का यूज़ हो जाता है, इस तरह से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पूरे तरह के एक ही वीडियो में आपको सिखा दिए हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं ये इसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, जैसे मेरा वीडियो बन गया, एडिट कर लिया, अब इसको हम लोग को एक्सपोर्ट करना मतलब सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो है डाउनलोडिंग का ऐसा ऑप्शन सिर्फ डाउनलोड का होता है या फिर एक्सपोर्ट करने का होता है, तो इसको हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिजोल्यूशन चूज करना है, और पूरा फुल HD करना है तो 1440 पे पिक्सल पे करना है, और फुल HD पे करना है तो 1080 पे, अगर HD करना है तो 720 पे। ये तीनों बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मतलब ये जो 1440 पे कीजिएगा तो ये पूरा आपको 4K वीडियो बनेगा, और 1080 में फुल HD बनेगा। अब ज़्यादातर मैं वीडियो 720 पे क्लिक रखते हैं और 1080 पे बनाते हैं। यहाँ पर सबको बिट रेट यहाँ से ज़्यादा बेसी ज़्यादा नहीं कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा कीजिएगा तो 1 मिनट का फाइल आपको पूरे 1 GB का बन जाएगा, तो इसको कम करके आपको 8 बिट रेट पे आपको रहने देना है। यहाँ पे आपको 30 ही क्लिक करना है, 30 बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर सबको सेव पे क्लिक कर देना है, ये वीडियो यहाँ पे जैसे ही आप सेव कीजिएगा तो ये वीडियो आपको सेव हो जाएगा।
तो यहाँ पर से सेव करेंगे तो यहाँ पर से सेव हो जाएगा। दोस्तों फिलहाल हमको ये सेविंग नहीं चाहिए, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, तो मैं इसको कट कर लूँगा।